हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रश 4 के अपडेट्स के बारे में। तो मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट इट्स स्टोरी लाइन एंड मच मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो अगर बात करें स्टोरी लाइन की, तो ये न्यूज़ सामने आई थी कि क्रश 4 में ही क्रश का एक वेरियंट होगा जो कि विलन होगा, मतलब सबको मारने वाला भी क्रश और सबको बचाने वाला भी। और स्टोरी का कंटिन्यूएशन शुरू होता है विलन काल को मारने के बाद। तो कुछ साल बाद क्रश को एक एयरक्राफ्ट मिला जिसकी हेल्प से वो टाइम ट्रेवल कर सकेगा और डिफरेंट एराज में जाएगा, क्योंकि उसे पता चलता है कि कोई एक मेगा विलन है जो टाइम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और पास में रह के फ्यूचर को बदलने की कोशिश कर रहा है, जस्ट लाइक डॉक्टर आर्या हु ट्राई टू चेंज द फ्यूचर बट इन द एंड इट वॉजंट सक्सेसफुल। और ये न्यूज़ सामने आई थी कि टाइम ट्रेवल करके वो प्रीति जिंदा से भी मिलेगा। देखिए, ये स्क्रिप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, पर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और मूवी टल गई। फिर फैंस को लगा कि इसके बारे में डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब भूल गए, लेकिन बात ये थी कि फिल्म को 2021 से 2022 के बीच में रिलीज़ किया जाए। पर उस वक्त इंडिया में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा था और कोई बॉलीवुड मूवीज़ देखने को भी तैयार नहीं था। इस फिल्म के डायरेक्टर ने कहा था कि अगर ऐसे टाइम पे क्रश 4 जैसी हाई बजट फिल्म को लॉन्च किया तो उसे कोई देखेगा नहीं और कुछ अर्निंग भी नहीं हो पाएगी। लेकिन एक बात तो कन्फर्म थी कि स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। फिर एक इंटरव्यू में राकेश रोशन ने कहा था कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो फिल्म बहुत ही हिट होती है। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मूवी के फर्स्ट 15 मिनट्स में वो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर लेंगे। और ये न्यूज़ सामने आई थी कि मूवी में डबल रोल हो चाहे ना हो, पर टाइम ट्रेवल का होना कन्फर्म है। और अगर हम लोग रूमर्स की बात करें तो न्यूज़ आ रही है कि क्रश 4 के डायरेक्टर करण मल्होत्रा होंगे, जिन्होंने फिल्म शमशेरा बनाई थी, और वही क्रश 4 को ही डायरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि फिल्म पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसकी शूटिंग लोकेशन, सेट्स और विजुअल इफेक्ट्स पे काम शुरू होगा। अगर बात करें क्रश 4 के रिलीज डेट्स की, तो ये नेक्स्ट ईयर ज़रूर आएगी, क्योंकि इस पे काम लगभग फरवरी 2023 से शुरू हो जाएगा, मतलब ये एक साल के अंदर या उसके बाद आ जाएगी, क्योंकि क्रश 3 को भी उतना ही टाइम लगा था, मतलब एक साल का। फिर उसको बने हुए 11 साल हो गए और तब से ऑडियंस बहुत ही वेट कर रही है। तो गाइज, आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दें कि क्रश 4 की जो स्टोरी लाइन है टाइम ट्रैवल की, उससे आप कितना एक्साइटेड हैं, क्योंकि पुराने कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे ऑल। बाय बाय।